हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है, मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ सैमसंग का A71 का कंपैरिजन सैमसंग के AS20 के साथ। तो कंपैरिजन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो आपको लकी स्माइल शॉप की लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज अगर मेरे से परचेज करना चाहते हो, मेरी शॉप लोकेशन लिंक की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करें। वीडियो में बोल थोड़े बहुत शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि कई बार नाम गलत लिए जाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन रोज़ करता हूँ तो रोज़ वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ कि A71 अभी भी लॉन्च हुआ है, एक दो दिन हुए हैं, और इसको भी लॉन्च हुए को अभी कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको भी थोड़े टाइम हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो लंबी होगी उसके लिए सॉरी, कोशिश करूँगा छोटी बने। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि S20 मेरे लेफ्ट हैंड में है, A71 मेरे राइट हैंड में है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए ओवरऑल प्राइस के मामले में ये आपको पड़ने वाला है 67,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्राइस है इसका 66,999 है, और ये आपको पड़ने वाला 30,000 का। और अगर इसका प्राइस देखा जाए 2,999। तो अगर बात करते हैं ओवरऑल, अगर देखा जाए प्राइस के मामले में सैमसंग का A71 विनर रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए इनके डिस्प्ले के मामले में और लुक के मामले में, बॉडी लुक के मामले में अगर देखा जाए तो ये कैरी करना काफ़ी आसान है और लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पर 67,000 काफ़ी अमाउंट होती है, तो उसके हिसाब से इसके फीचर्स भी देखे जाएंगे कौन कौन से बढ़िया है। अगर 71 की बात की जाए तो इसकी डिस्प्ले आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी और काफ़ी बढ़िया रहता है ये भी, मतलब 30,000 की रेंज में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करते हैं, इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं जिसके कारण क्लीन देखे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इनके ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में, अगर आपको देखा जाए तो AS20 में आपको देखने वाले है डायनेमिक डिस्प्ले में देखने को मिलेगी, और नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज कर लेना, डायनेमिक सुपर एमोलेड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, डायनेमिक एमोलेड, क्योंकि डायनेमिक मेरा नाम नहीं बोलना था, बल्कि हाई क्वालिटी होती है, सुपर एमोलेड से हाई क्वालिटी होती है डायनेमिक, क्योंकि एमोलेड आती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में, हाई क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, साइज आपको इसका बड़ा देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगी फुल HD+ सुपर एमोलेड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरे के मामले में ज़्यादा बेटर क्वालिटी इसकी आने वाली है। ये 32 मेगापिक्सल है, 2 अपर्चर पे काम करेगा, 2.0 पे काम करने वाला है, ये थोड़ा 1. उस पे काम करने वाला है, 1.9 अपर्चर पे काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी इसी की ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि ये 32 मेगापिक्सल हो गया और इसके अपर्चर भी थोड़ा फर्क ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें आपको 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बैक की बात करते हैं तो बैक में आपको देखने मिलेंगे, 71 में मिलेंगे आपको 4 कैमरा देखने को मिलेंगे, तो S20 में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। बैक के कैमरों के मामले में इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, मैं आपको पहले बता दूँ। उसके बाद अगर कैमरों की बात करते हैं कौन से आने वाले हैं, इसका आने वाला है 64 मेगापिक्सल का, जो कि 1.0 के ऊपर काम करने वाला है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे कैमरे की 12 मेगापिक्सल, फिर तीसरे की 12 मेगापिक्सल, साथ में एक माइक मिल जाता है, जब आप जूम करके वीडियो बनाओगे तो उसमें साउंड क्लियर आएगा आपको, जिस पे भी आप फोकस कर रहे हो। उसके बाद अगर इसकी 71 की बात करते हैं तो ये आपको मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल, जो कि 2 अपर्चर पे काम करने वाला है। उसके बाद आपको 12 मेगापिक्सल मिलने वाला है, उसके बाद 5 मेगापिक्सल मिलने वाला है, 5 मेगापिक्सल मिलने वाला है। अब इनके काम क्या क्या है, तो जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपको काम करने वाला है मेन फोकस, मेन फ़ोटो खींचने के लिए। जो 12 मेगापिक्सल का है वो अल्ट्रा वाइड के लिए। जो 5 मेगापिक्सल है, एक आएगा आपका बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, एक आएगा टेलीफोकस लेंस के लिए, जो एकदम पास में जो शूट लेते हैं, उसका नाम मैं भूल गया उसके लिए सॉरी। उसके बाद अगर बात की है कैमरों के मामले में, मैं इसको विनर देता हूँ, डिस्प्ले के मामले में ये विनर रहता है, क्वालिटी के मामले में ये विनर रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसकी सिम स्लॉट की, सिम स्लॉट आप इसमें सिर्फ 2 सिम डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड डालने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर डालना चाहते हो तो 1 सिम आपको निकालनी पड़ेगी, 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड। इसमें आप 2 मेमोरी कार्ड, 2 सिम के साथ 1 मेमोरी कार्ड साथ के साथ डाल सकते हो। अगर आप अगर बात करते हैं इनके ओवरऑल लुक के वाइज में आपको देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, थोड़ा छोटा भी लग रहा है। अगर आप बड़ी डिस्प्ले देखना पसंद करोगे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 71 ले सकते हो, अगर आपका बजट कम है तो भी 71 ले सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए इनके क्वालिटी के मामले में, आपको दोनों ही ऑसम मिलने वाले हैं।
उसके बाद अगर बैटरी की बात की है तो बैटरी में आपको ये बढ़िया रहेगा क्योंकि इसकी बैटरी मिल जाएगी 4500 mAh की, 71 की। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं S20 की, S20 में आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो 4000 mAh की मिलेगी। अगर चार्जिंग की बात की है, चार्जिंग में आपको इसमें 4500 वॉट का चार्जर मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगी 25 वॉट की बैटरी बैकअप मतलब की चार्जर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात की जाए नीचे की, तो अगर हम देखा जाए तो आपको टाइप सी देखने को मिल जाएगा दोनों में, और इसमें आपको 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा S20 में, जो कि इसका माइनस पॉइंट है। अगर इसकी बात करते हैं तो 71 में आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल नीचे देखने को मिल जाएगी, मेन माइक देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी बात करते हैं अप में आपको देखने को मिल जाएगा इसमें नॉइस कैंसलिंग के लिए माइक, आपको सेम इसमें भी देखने को मिल जाएगा। अब सिम स्लॉट की बात करते हैं तो S20 में आपको अप में देखने को मिलेगी सिम स्लॉट, अगर राइट साइड में बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में बात करते हैं लेफ्ट में आपको 71 में आपको सिम स्लॉट देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर राइट साइड में बात करते हैं राइट में दोनों में आपको सेम वॉल्यूम की रोकर बटन, साथ में जाता है आपको पावर लॉक बटन मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनके क्वालिटी की, मतलब कि डिस्प्ले क्वालिटी की। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिलेगा, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी जो कि प्रोटेक्शन इसकी बढ़िया है। उसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको हल्का सा ये मतलब कि एजेस मिल जाते हैं जो कि इसमें आपको थोड़े से देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी एक बढ़िया लुक देते हैं, पर उसके लिए आपको 37,000 ज़्यादा खर्चना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप जे एक फ़ोन खरीदोगे और ऐसे आपको दो फ़ोन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपके 7,000 भी बच जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर ओवरऑल अगर वेट की बात की जाए तो वेट इसका कम है, तो ओबियसली वेट के मामले में ये बढ़िया रहता है। तो अगर आप देखना चाहें ओवरऑल कि इसमें क्या क्या रहता है, अगर प्रोसेसर की बात किया जाए तो इसका प्रोसेसर बहुत हाई है, एक्जिनोस का 9 सीरीज़ का 990 है, ठीक है। इसके प्रोसेसर की बात करते तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730 मिल जाएगा। उसके बाद आपको गीगाहर्ट्ज़ की बात करते तो इसमें आपको 60 गीगाहर्ट्ज़ में काम करेगा, ये आपको 120 गीगाहर्ट्ज़ में आपको काम करेगा, मतलब कि इसकी स्पीड काफ़ी बढ़िया होगी, ये काफ़ी स्मूथ चलेगा, और इसमें थोड़ा सा स्लो चलेगा, इतना स्लो नहीं बल्कि थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी के हिसाब से अमाउंट भी ज़्यादा है, तो ये प्रीमियम इनके फ़ोन हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम होते हैं। अभी इनके 3 मॉडल आए हुए हैं, इसकी भी अनबॉक्सिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी देखने की, S20 अल्ट्रा, S20 और S20 प्लस की, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। उसके बाद अगर बात करते हैं इनके ओवरऑल की कि मेरा ओपिनियन क्या रहता है, कि मैं आपको कौन सा प्रेफर करता हूँ, मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप 71 ले सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप प्रीमियम फ़ोन में लेना चाहते हो इसमें, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अल्ट्रा ही लेना, या फिर आपको ये S20 आप परचेज़ कर सकते हो। ओवरऑल लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, कैरी करना कईयों को क्या होता है कि कईयों को बड़े फ़ोन थोड़ा ओड लगते हैं कि हाँ भी कैरी करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसमें देखो ग्रिपिंग के लिए थोड़ा सा तो होता है कि हाँ भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है, पर इतना भी नहीं कि हाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये काफ़ी मतलब कि एक ग्रिपिंग के लिए काफ़ी बढ़िया आ जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं, इसमें मैंने पबजी गेम खेली नहीं है, पर इसमें पबजी गेम काफ़ी अच्छी चलने वाली है। बाकी कौन कौन से मोड चलेगी इसमें, ओब्वियसली है सारे मोड चलेंगे। इसमें आपको HDR देखने को मिल जाएगा, स्मूथ और एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बढ़िया रहने वाला है। बैटरी बैकअप काफ़ी मतलब कि चार्ज जल्दी हो जाएगा, पर 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी इसमें। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने सारी डिटेल दे दी है, इसमें अगर कुछ रह गया तो उसके लिए सॉरी। हाँ, लास्ट में हम वेरिएंट की बात कर लेते हैं। वेरिएंट जो आपको देखने को मिलेगा, दोनों सेम वेरिएंट देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 8 GB RAM देखने को मिलेगी, 128 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको 8 GB RAM देखने को मिलेगी, 128 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे मेरे ओपिनियन और ये थी मैंने हल्की फुल्की, फाइनली मैंने इसका सारा कुछ डिटेल बता दी है। मैं एक चीज़ और जाते जाते बता दूँ, मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है, अगर आप प्रीमियम फ़ोन चलाते हो तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको लेना है तो इसका अल्ट्रा मॉडल लेना, S20 अल्ट्रा। एटलीस्ट उसमें आपको काफ़ी कुछ एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं और उसमें प्लस पॉइंट भी काफ़ी है। थोड़े पेमेंट अमाउंट तो ज़्यादा होगी, बट ऑब्वियसली जब आप 67 खर्च रहे हो तो उसमें थोड़े बहुत और खर्चने पड़ेंगे, वो 92 है, तो थोड़ा मैनेज करके मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपको 71 ले लेने चाहिए। बाकी सबके अपने अपने राय होते हैं, आपका क्या राय है मुझे ज़रूर बताना। मैंने कोशिश की है कि मैं बढ़िया से बढ़िया आपको दे दूँ रिव्यू। बाकी क्या होता है कि जब हम वीडियो शूट करते हैं उससे पहले जब वो हमने वीडियो बनाई होती है तो थोड़ा माइंड में वो भी घूमता रहता है ना, कि जैसे मैंने इसका रिव्यू किया है या फिर अगली वीडियो जो है A50 के बनानी है, तो साथ की साथ स्टडी इधर उधर हो जाती है। तो फ्रेंड्स फाइनली दोनों का कंपैरिजन मैंने कर दिया है। मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लगा है। जो डेमो है तो उसके लिए थोड़ा बहुत हो सके मैं चला के नहीं दिखा सकता, अदरवाइज़ मैं आपको इसका एप्लीकेशन रेस टेस्ट भी करके देता था। इसका अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर बहुत बढ़िया आ गया, एक्सिनोस 990, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका प्रोसेसर थोड़ा छोटा है, पर उसके हिसाब से इसकी अमाउंट भी काफ़ी कम है,
तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किसके साथ करूँ। बाकी ओवरऑल जो रहते हैं, मेरे कोशिश ये रहती है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तो दूँ ही दूँ, बाकी आपके जो कमेंट आते हैं उसका भी रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं रिप्लाई 100% करता हूँ। जो नहीं समझ में आते उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। आज के लिए इतने काफ़ी है। बाय। जाते जाते एक चीज़ और, जाते जाते इनके रेट बता देता हूँ। ये आपको 67 का पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा 30,000 का, मतलब 30,000, 67, मतलब काफ़ी हो जाती है अमाउंट। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर मैं स्विमिंग के रिगार्डिंग वीडियो देता हूँ। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं टैक्स रिलेटेड वीडियो देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर द वीडियो। और हाँ, वीडियो में कभी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।